हेलो फ्रेंड्स, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉक्स सिस्टम कॉल के ऊपर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने फॉक्स सिस्टम कॉल के बारे में बेसिक डिटेल्स बताए थे और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन फॉक के ऊपर सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर चेक कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आप अगर वो वीडियो एक बार चेक कर लेंगे तो आपको फॉक सिस्टम कॉल के बारे में बेसिक्स पता लग जाएंगे। और उसी वीडियो के लास्ट में मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था और काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है कि आप एक बार ये क्वेश्चन जरूर एक्सप्लेन कर दो ताकि उनको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉक सिस्टम कॉल के ऊपर बहुत बार गेट, यूजीसी नेट और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपको ये दो पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले यहां पे हम इस सी लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, हेडर फाइल्स है, मेन फंक्शन है और मेन के अंदर यहां पे इफ का यूज किया हुआ है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जब कंपाइलेशन स्टार्ट होगी यहां पे ये पूरा क्या है, डॉट सी से हमने सेव किया हुआ है ये पूरा प्रोग्राम। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ये पूरा क्या है, एक तरह से सिंगल प्रोग्राम है जिसको आप कह सकते हो ये पेरेंट प्रोसेस है। मतलब ये मेन प्रोग्राम अपने आप में एक पेरेंट प्रोसेस है। पेरेंट मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे फॉक सिस्टम कॉल का यूज किया है और फॉक हमेशा क्या करती है, चाइल्ड प्रोसेस जनरेट करती है। मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। पेरेंट तो है ही, पेरेंट के साथ साथ चाइल्ड भी है, तो पेरेंट अलग से एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड अलग से एग्जीक्यूट होगा, दोनों कॉन्कुरेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे ही हम इसकी कंपाइलेशन स्टार्ट करते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा ये, इंट मेन तक, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इफ। इफ के अंदर यहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है गाइज, यहां पे लिखा है फॉक। जैसे ही फॉक रीड करेगा, फॉक रीड करने का मतलब है कि इस पेरेंट प्रोसेस का, ये पूरे पेरेंट प्रोसेस का एक चाइल्ड क्रिएट होगा और वो रिटर्न करता है क्या, जीरो। चाइल्ड रिटर्न करता है जीरो और पेरेंट जो खुद पेरेंट है ही, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव नंबर होता है। जनरली हम पॉजिटिव वन भी कह देते हैं, प्लस वन, लेकिन आप कोई भी पॉजिटिव नंबर इसको मान सकते हो। नेक्स्ट, इफ के बाद यहां पे फॉक के बाद क्या है इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या है, ये है यहां पे ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि दो, ये चाइल्ड प्रोसेस है, ये पेरेंट प्रोसेस है और ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं, मतलब कॉन्कुरेंट चल रहे हैं, तो हमें दोनों केसेस को लेके चलना पड़ेगा। लेट्स से हम पहले चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हम चाइल्ड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें तो चाइल्ड क्या रिटर्न कर रहा है, जीरो। तो जैसे ही फॉक ने ये रिटर्न किया जीरो, तो जीरो एंड कुछ भी करो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। मतलब जीरो एंड वन करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो ही आएगा। मतलब ये रिटर्न करेगा इफ फॉल्स। जैसे ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहां पे इस फॉक की एग्जीक्यूशन नहीं होगी क्योंकि ये सीधा इफ से बाहर आके प्रिंट एफ हेलो पे जाएगा। मतलब ये सी वन क्या प्रिंट करेगा, एक बार हेलो को प्रिंट कर देगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पेरेंट प्रोसेस की, ये तो जीरो था, जीरो रिटर्न किया, लेकिन अगर हम पेरेंट प्रोसेस की बात करें, दूसरे प्रोसेस की, जो पेरेंट प्रोसेस है, तो उसने क्या रिटर्न किया यहां पे, उसने रिटर्न किया एक पॉजिटिव नंबर। तो क्या हम इसको डायरेक्ट फॉक में जा सकते हैं, नहीं। अगर ये और होता, अगर एंड की जगह यहां पे और ऑपरेटर होता तो आप नीचे जा सकते थे, लेकिन ये एंड ऑपरेटर है, एंड में अगर पहली वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो दूसरी जरूर चेक करता है, और के अंदर अगर पहली वैल्यू प्लस में हो तो दूसरी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अंदर भी जा सकते हो। लेकिन एंड है, एंड में अगर एक वन हुआ, क्या पता दूसरी वैल्यू जीरो हो जाए, और वन एंड जीरो क्या होता है, जीरो, वन एंड वन क्या होता है, वन। तो मतलब जब तक हम ये दूसरी वैल्यू तक नहीं जाते, हम आउटपुट में, मतलब इंटरनली नहीं जा सकते। तो हमें पहली वैल्यू पता लग गई वन है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो हम जैसे ही दूसरी में गए, इसके अंदर गए, एंड के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, फॉक। यानी इस पेरेंट के आगे फिर एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा और एक पेरेंट तो खुद वो है ही। तो ये वाला जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड हमेशा क्या रिटर्न करता है, जीरो, और पेरेंट रिटर्न करता है पॉजिटिव। तो आप बड़े ध्यान से देखो, यहां पे हमने ये वाली वैल्यू क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव आई हुई है, ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंड अगर हम इस केस की बात करें पहले, ये वाले केस की, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जीरो। मतलब पॉजिटिव एंड जीरो, तो पॉजिटिव एंड जीरो का मतलब है जीरो। तो इफ
रिटर्न क्या करेगा ये फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब है इस फॉग को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रिंट एफ पे जाएगा, और प्रिंट एफ का मतलब है ये सी टू क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, दैट्स इट। और नेक्स्ट केस की बात करें पी की, तो रिटर्न किया इसने क्या पॉजिटिव, और इस पी ने भी क्या रिटर्न किया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव क्या हुआ पॉजिटिव नंबर, मतलब इफ के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है ये ट्रू, और जैसे ट्रू रिटर्न करेगा यानी ये वाली फॉग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और जब ये फॉग वाली एग्जीक्यूट होगी तो यानी इस पी का भी आगे क्या बनेगा एक चाइल्ड बनेगा और एक पेरेंट खुद वो है। तो जैसे फॉग के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आई क्या प्रिंट एफ हेलो, तो ये सी थ्री जो चाइल्ड था वो भी क्या प्रिंट करेगा हेलो, और ये पी जो है ये भी क्या प्रिंट करेगा हेलो, तो यानी टोटल कितनी बार हेलो प्रिंट होगा यहां पे 4 बार प्रिंट होगा। तो गाइज दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, और ये आपको मेन जो पॉइंट याद रखना है वो यही याद रखना है कि ये रिटर्न क्या करता है चाइल्ड हमेशा 0 और पेरेंट हमेशा पॉजिटिव नंबर, और दूसरा पॉइंट कि कितनी बार आप फॉग को एग्जीक्यूट करो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इसी क्वेश्चन को और ऑपरेटर के साथ गाइज सॉल्व कर सकते हो, और अगर आप उनका आंसर जो है मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बाकी का क्वेश्चन एज इट इज है, बस एंड की जगह आप और ऑपरेटर का यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो दिस इज गाइज हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।